थे, जो बन रहे थे वो करो, जो नहीं तो वो ड्रॉप कर टाइम दो। कंज्यूमिंग नहीं लगा पढ़ने में ऐसा? थोड़ी बहुत, एवरेज थोड़ा बहुत लगा। हाँ मतलब टाइम भरपूर था। हाँ मैं कह सकता हूँ 85% NCERT थी। 85%। कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल ऐड हुए थे, कैसा राउंड का एक्सपीरियंस? ठीक था। ओके ऑल द बेस्ट। अच्छा गया। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि सेकंड? नहीं सेकंड अटेम्प्ट था। कैसा था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग? लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बहुत टफ आया था। एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था? नहीं बेस्ड था एनसीईआरटी पर टफ था। तो कुछ आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस थे इस बार ऐड किए गए, तो उनका आपको टाइम कंज्यूम हुआ कि आपको अच्छा लगा कि हाँ थोड़ा ऑप्शंस मिले? नहीं ठीक था, अच्छा था, अच्छा लगा उसमें ऑप्शनल वाले में। जो कुछ स्टूडेंट्स कठिन थी थोड़ा, सेटेशन रीजन वाले क्वेश्चन, फिजिक्स मतलब ज़्यादा वो आ गया था, मतलब मैथमेटिक टाइप्स में जिसमें लगाना रहता है, तो वो हम बायो वाले स्टूडेंट्स तो इसके कारण। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था, तो कैसा मतलब रहा ये वाला अटेम्प्ट पहले से? 630 प्लस आ रहे हैं। मतलब इस बार जा रहे हैं पक्का? पक्का। तो कुछ ऐसी गलतियां जो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में करी, एक आध दो मेजर? प्रैक्टिस में एक परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस वगैरह कम पड़ गई थी इसी वजह से। ओके ओके। जिस सेमेस्टर में? और ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे थे या कोटा? ऑनलाइन 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 पूरा ऑनलाइन। पहले? पहले एलएन में थे। अच्छा कोटा में ही थे। तो इस बार कुछ अलग दिखा आपको पेपर में या फिर एज इट इज सेम रहा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग? पेपर तो हमेशा इजी आता है, कोई गड़बड़ नहीं होती, सब सेम होता है। okay. कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल ऐड हुए थे, उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस था? सबसे बढ़िया वही बेनिफिट था। ओके okay. सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसी में था। बहुत बढ़िया था वो। अच्छा मतलब स्टेप रहा? बहुत बढ़िया स्टेप रहा। okay. क्योंकि वहाँ 45 क्वेश्चन आते थे तो कुछ मुश्किल होते, छोड़ने पड़ते थे। इस बार 10 एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो बढ़िया हुआ है। तो सभी के लिए अच्छा हुआ होगा ना? तो सबके लिए बेस्ट है। तो कट ऑफ तो वापस से ऊपर जा सकती है? हाँ कट ऑफ तो जाएगा, आराम से जाएगा, 600 प्लस आराम से कट ऑफ जाएगा। ओके ओके ऑल द बेस्ट। निकलने के कम चांस है क्योंकि 60% ही बना है। अभी कोशिश करना है वापस? हाँ एक बार करेंगे। ड्रॉप ले। हाँ बायो में एनसीईआरटी आई थी और केमिस्ट्री में भी कह सकते थोड़ा बहुत एनसीईआरटी और फिजिक्स थोड़ा ठीक था। ऑप्शनल जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? हाँ टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा था, लेंदी क्वेश्चन मतलब पेपर बहुत लेंदी बनाए थे, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे। ओके तो रीड करने में दिक्कत जा रही थी। मतलब जो ऑप्शनल थे उसी में प्रॉब्लम आ रही थी या जो नॉर्मल जिसमें ऑप्शंस नहीं थे उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी आपको? मीन्स नॉर्मल्स? हाँ फिजिक्स में नॉर्मल भी ऑप्शन थे जो बहुत बड़े बड़े थे। अच्छे थे। तो ICR भी दिया था आपने? ICR नहीं। ओके ओके। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मेरा 160 लगा। आपको लास्ट ईयर अकॉर्डिंग तो सही था, पिछले साल ज़्यादा टफ था, इस साल ठीक था थोड़ा सा। इस साल थोड़ा ऑप्शनल क्वेश्चन भी ऐड किए गए थे, कैसा था उनका लेवल? ऑप्शनल पे फिजिक्स का लेवल थोड़ा टफ था बट केमिस्ट्री ठीक थी और बायो तो सही थी। सही था तो ओवरऑल सही था पूरा? ओवरऑल सही था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ कुछ नहीं थी ऐसी? नहीं अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं था। पूरा NCERT बेस्ड था? हाँ NCERT बेस्ड, लगभग तो NCERT ही थी। ऑल द बेस्ट। ठीक था फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट थी आपसे तैयारी? हाँ ठीक। ऑनलाइन खरीदी थी आपने? नहीं कोटा। अच्छा कोटा में। तो ओवरऑल वहाँ की तैयारी करने के बाद अभी कितना लग रहा है, कितना स्कोर आ पाएगा अभी? नहीं इस ईयर मेरा ट्रायल था, मतलब अभी वहाँ 6 months बस कोचिंग की है और अभी वापस वहाँ जाऊँगी, तो इस साल अभी कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ था। अभी ऐसा लग रहा है कि ड्रॉप लेना पड़ेगा? हाँ लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन थोड़ा कम रहेगा। हाँ कुछ क्वेश्चंस जैसे ऑप्शनल थे तो उसमें आपको हेल्प मिली? हाँ जो आप NCERT पढ़ते हो पूरा वहीं से? हाँ NCERT बेस्ड पेपर। तो कोरोना में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा? हाँ काफ़ी, कोटा से कोचिंग्स ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई तो उसमें काफ़ी वो हुआ था। तो उसमें डिस्ट्रैक्शन और? हाँ ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाई में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ऑफलाइन बेटर है। हाँ ऑफलाइन बेटर है। ऑल द बेस्ट सिंगर। तो क्यों आपको लगता है कि अपने मर्जी से तैयारी नहीं कर रहे हैं बच्चे? मैं अभी वहाँ से आपको देख रहा था, मैंने सोचा कि मैं आपको मेंशन करूँ कि ये क्वेश्चन मेरा ये था कि बच्चे अपने मन से तैयारी कर रहे हैं, वो सच में डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या उनके पैरेंट का प्रेशर है, क्योंकि इंडिया में हम मेनली ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग और नीट दोनों चीज़ों का बच्चों से ज़्यादा पैरेंट के ऊपर प्रेशर रहता है। नो डाउट सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं, पर एज अ यंग जनरेशन, जनरेशन ऑफ 21st सेंचुरी, हम जानते हैं कि काफ़ी सारी फील्ड्स हैं और बच्चे काफ़ी सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करने से अभी चूके हुए, क्योंकि स्कूल्स में केवल स्टडीज, उसके अलावा कुछ नहीं होता, कोई और प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि इतनी सारी फील्ड्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो मैं बस ये चेक करना चाहता था आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू और खास करके अपनी लोकेलिटी में कि बाहर का तो छोड़िए, हम यहाँ पे तो देखें कि क्या रियलिटी है, बच्चे खुद से तैयारी करना चाह रहे हैं या सिर्फ उनके पेरेंट का प्रेशर है। ये केवल एक स्टेटस इशू बन के रह गया कि हमारे बच्चे ने नीट क्रैक किया है ऐसा कुछ? बहुत सही बात बोली आपने, ये बहुत बड़ा रीज़न है और मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चा अपने से तैयारी कर रहा ना
तो एक या दो साल ही वो क्यों ना दे, वो अपना इतना 100% देगा ना कि शायद अगर वो नहीं भी हो पाता तो सेटिस्फाइड रहेगा। पर जब वो पेरेंट के प्रेशर से आता है ना, तो क्या होता है कि बच्चा एक बार तैयारी करता है, दो बार तैयारी करता है, यहाँ तक कि कुछ बच्चे तीन बार भी तैयारी करते हैं, पर जब नहीं हो पाता ना तो अपने आप को बहुत लो कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, और फिर लाइफ में और सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर करने से पहले डरते हैं, उन्होंने लगता ये है कि हम मैं नहीं कर पाऊँगा।